के चक्ष तस्मे श्री गुरुवे श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पाकदा वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव राधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यान्नामिने गौरत्वशेन हे कृष्ण कर्मा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता श्रीराधाकांता नमोस्तुते भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वां सुते देवी हरिप्रिये कृपा सिंधु भैरवच पावदेव्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So this is 13th chapter of Bhagavad Gita, verses 8 to 12. So these verses talks about the 18 items of knowledge. So few of them we have seen yesterday. So we'll recite this shloka and then we'll discuss further. अमानित्वं अहिंसा शांतिरार्जवम् अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियाकृतेषु वैराग्यम् अन्नहंकारमेव च जन्म मृत्युजरा व्याधे दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गा पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं चासमचित्तत्वं इष्टानिष्टुपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरागविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं आरतिर्जन आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं वदतु अन्यथा। तो कल इसमें वी हैव सीन फ्यू थिंग्स। So first thing which we have seen in this is that the last line Krishna is telling एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् जो ये सब बताया गया है जो सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं यही ज्ञान है अज्ञानम् यदि तो अन्यथा इसके अलावा जो भी संसार में है वो अज्ञान है ऐसा बोला यही ज्ञान है। तो भगवान जब ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉलेज मीन्स वर्चूज क्वालिटीज नॉलेज डज नॉट मीन इंफॉर्मेशन क्योंकि जो सारे 18 आइटम्स हैं क्वालिटीज
दूसरा इसको ही ज्ञान बोल रहे हैं, बाकी सब जो चीज है उसको ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है क्या? इतना सब कुछ संसार में चीज सब पढ़ रहे हैं, इतना सारा इंजीनियरिंग का ब्रांचेस है, मेडिकल का ब्रांचेस है, कोई सीए कर रहा है, उसी इन सर्विसेस कर रहा है, तो यही ज्ञान है, क्योंकि यही मुक्त कर सकता है। जो प्रिजन में व्यक्ति है, जेल में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि जेल से कैसे निकल सकता है। बाकी जो ज्ञान है वो भी है, लेकिन वो उसको क्या है, मदद नहीं करेंगे जेल से निकलने में, उसको मदद वो ऐसा है, इसलिए यही ज्ञान है। अब ये जो ज्ञान के बारे में भगवान बताना शुरू करते हैं, प्रभुपाद जी ने पर्पोर्ट में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, मुझे लिखा हुआ। अमानित्वम ह्यूमिलिटी, पहला चीज देखा था, ह्यूमिलिटी, अमानित्वम ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ बीइंग हैविंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। तो ह्यूमिलिटी मीन्स उसको रिस्पेक्ट की अपेक्षा नहीं है, ही डज नॉट एक्सपेक्ट, ही मे एक्सेप्ट, ये सम्मान करता है, उसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं कि मेरे को व्यक्ति, तो ह्यूमिलिटी जिसके पास है वो व्यक्ति क्या है, कूल हेडेड रहता है, ही कैन बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमेशा लर्न कर सकता है, ये अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, और एक क्लियर इंडिकेटर है भक्ति में हमारी क्या स्थिति है उसके बारे में। जितना व्यक्ति शुद्ध होता है उतना वो हम्बल होगा, इसका नेचर है। सारे प्योर डिवोटीज जो क्या होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं बाय नेचर, अदम्य। तो दम्भ मतलब टू शो ऑफ, ह्यूमिलिटी मीन्स इवन इफ यू हैव सम गुड क्वालिटी यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, एंड दम्भ मीन्स इवन इफ यू डोंट हैव एनी गुड क्वालिटी यू आर शोइंग ऑफ, वो दम्भ है। आपके पास नहीं है फिर भी उसका दिखावा करें, इसको दम्भ बोलते, शो ऑफ। सो मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ शो ऑफ, व्यक्ति के पास है चाहे नहीं है वो क्या करता है, शो ऑफ करता है। शॉपकीपर के पास जाएंगे, हाँ, तो उसके पास नहीं है वो चीज, तो वो अपने शॉप में जो बर्ता होता है उसको क्या बोलता है, जाओ स्टॉक से लेके आओ, गोदाम से लेके आओ, गोदाम क्या है, हाँ, वो दूसरी शॉप से लेके आएगा वहां से, हाँ, उसके पास नहीं है ये। तो अमानित्तम अदम नित्तम, अहिंसा तीसरा पॉइंट। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, वायलेंस मीन्स नॉट टू पुट अदर्स इनटू डिस्ट्रेस, बाकी जो लोग हैं उनको डिस्ट्रेस में नहीं डालने, ये अहिंसा है। अहिंसा का मतलब है, प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है कि ज्यादातर जो लिविंग एंटिटीज वो अविद्या में, इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस के कारण बार बार उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेने के कारण उनको बहुत पेन होता है, इसीलिए हाँ वायलेंस का डेफिनेशन प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी शुड ट्राई टू एलिवेट देम, हमको उनको हेल्प करना चाहिए एलिवेट होने में कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो वी शुड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। तो अगर हम प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं तो भी एक है वायलेंस। शांति, शांति मीन्स टॉलरेंस, टॉलरेंस प्रभुपाद जी ने बोला है, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के प्रचार करना चाहते हैं, संसार में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त सबसे पहले हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, पहला चीज, और दूसरा चीज, जब माइनॉरिटी में रहेंगे तो लोग, हर कोई व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा जो आप कर रहे हैं, हमेशा लोग कमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो तीन स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला होता है क्रिटिसिज्म, इनडिफरेंस, तीसरा रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करेंगे, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। दूसरा इंडिफरेंस, फिर भी आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, इंडिफरेंट हो जाते हैं जो आप कर रहे हैं, और तीसरा स्टेज है रिस्पेक्ट, वो फिर आपको सम्मान करेंगे, जब दे विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड श्योर दैट यू आर वेरी जेन्युइन इन योर प्रैक्टिस, ऐसे। टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, टॉलरेंस से फोकस आता है, टॉलरेंस से हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, टॉलरेंस मीन्स टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल, टॉलरेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स,
like that. And tolerance means right action. It's not passivity. Tolerance means taking the right action. उसका भी हमने कल कुछ example देखा था. आर्जवम, simplicity. ये OTs के साथ dealing में we should be simple. In dealing with outside world we should be intelligent. Devotees are dealing, we should be simple, we should be straightforward in dealings. Like that, we should not be duplicitous, we should not hide things. Achar Upasanam. Achar Upasanam means what? Spiritual master. Accepting a bona fide spiritual master, taking his shelter and under his guidance, doing. Now, next is Shaucham. So, Shaucham means what? Cleanliness. Cleanliness. Prabhupada writes, cleanliness is essential for making advancement in spiritual life. Two kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means taking bath, but for internal cleanliness, one has to chant, one has to think of Krishna always and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. This process cleans the accumulated dust of past karma. So both cleanliness are important. External cleanliness means one has to regularly take bath. One has to regularly wash his clothes. One has to keep the things clean. External cleanliness rehta hai, toh kya hota hai? Goodness mein aata hai mind. Mind will come into goodness. So we should take out some time to arrange the locker. We should take out some time to clean the room. Like that. When we take prasadam after that, we should clean that place immediately because that place becomes contaminated. That way. So this external cleanliness helps us to remain in peace. And internal cleanliness is also very important. Internal cleanliness means what we are thinking in mind. There should be no dirty thoughts in the mind. Internal cleanliness. So best is you replace all the thought patterns and thinking of Krishna. That is why when we read about Krishna, when we hear about Krishna, and the best process in Kali Yuga is to chant Hare Krishna. So that is the way to always think of Krishna, to keep yourself internally pure, internally clean. That is the internal cleanliness. So, amanittam madam mittam ahimsa shantirajam acharya upasanam shaucham sthairyam. Sthairyam means steadiness. So, Prabhupada writes, steadiness means one should be very determined to make progress in spiritual life. Without such determination, one cannot make tangible progress. So, when you're practicing spiritual life, we should be determined. Steadiness. That is what is it. Spiritual life is not difficult, but everyday commitment is difficult. Right? Every day doing the same thing. Same Mangal Arati, same Narasimha Arati, same Tulsi Arati, same chanting Hare Krishna. Every day commitment is difficult. So steadiness means, when is, so that is why Kali Yuga mein bataya gaya, vyakti ko sankalp karke bhakti karna mahatvapurna hai. संकल्प नहीं करेगा अगर तो भक्ति करने में उसको तकलीफ होगी. संकल्प होना चाहिए. संकल्प के बिना जो कार्य करते हैं छोटी सी भी बाधा आती है हम लोग उसको छोड़ देते हैं. जब संकल्प के बिना कोई कार्य करते हैं, आज कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कोई कुछ संकल्प नहीं आता तो बारिश होगी, छोड़ो यार बारिश हो रही है. तो संकल्प नहीं होता है तो जो ऑब्स्टेकल्स है वो डिस्करेज कर देते हैं. व्यक्ति का कुछ संकल्प है, कुछ कहीं पे उसको जाना ही है. अभी सपोज आज एग्जाम है कॉलेज में, बारिश हो के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, ऑटो छूट गया, स्कूल की बस छूट गई, कोई स्कूल बस से जाते हैं कॉलेज, बस छूट गए तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ भी हो जाए, भारत बंद भी है तो भी जाएंगे आज कॉलेज. हाँ, इसीलिए संकल्प महत्वपूर्ण. भक्ति के लिए संकल्प करके संकल्प करना चाहिए. संकल्प नहीं करते हैं तो क्या होता है? एक छोटी छोटी चीज जो बहुत ट्रबल करती है, इसीलिए भक्ति में संकल्प करके मॉर्निंग प्रोग्राम में आते संकल्प होना चाहिए, ये अच्छे से करना है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम. कुछ भी माइंड बोले, कुछ भी बोले तो हम कर सकते, नहीं तो माइंड कुछ बोलेगा तो बाहर चले जाएंगे.
और कुछ मन में आ गया, थोड़ा रेस्ट कम हुआ है, रेस्ट करने के लिए संकल्प इसमें बहुत महत्वपूर्ण। स्थैर्यम प्रभुपाद इज राइटिंग स्टेडीनेस, स्टेडीनेस इज पॉसिबल। हाँ, वन शुड बी वेरी डिटरमाइंड टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा संकल्प होना चाहिए, मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। आई शुड नॉट जस्ट ड्रैग अलॉन्ग, आई शुड नॉट जस्ट पोस्ट अलॉन्ग, आई वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस। हाँ, आई वॉन्ट टूडे टू बी अ डिफरेंट डे। चाहता हूँ आज मुझे इस प्रकार का भक्ति करना है, डिफरेंट डे होना चाहिए। इस प्रकार का जो संकल्प, तो भक्ति अच्छे से होती है। लगता है चलो चलने दो, चलने दो, चली रही है। ऐसे इस प्रकार के मनोभाव से इफ वी डू भक्ति विद सच काइंड ऑफ मेंटल सेटअप, देन इट इज डिफिकल्ट लाइफ। दैट इज व्हाई स्थैर्यम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थैर्य, संकल्प की आवश्यकता है। जब तक संकल्प नहीं करेंगे तो भक्ति करने में क्या है, हमेशा चल जाएगा। संकल्प करके डेली आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह मीन सेल्फ कंट्रोल। सो प्रभुपाद इज राइटिंग दैट सेल्फ कंट्रोल मीन्स वन शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज डेट्रीमेंटल टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। वन शुड बिकम अकस्टम टू दिस एंड रिजेक्ट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। दिस इज रियल रिनंसिएशन। दिस इज वॉट प्रभुपाद राइट्स अबाउट वॉट सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल मीन्स प्रभुपाद इज राइटिंग कि कोई भी चीज ऐसी जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ट्रेनिंग हो जाना चाहिए माइंड का कि हम लोग वही चीज एक्सेप्ट करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल। तो माइंड को बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी थॉटफुल है, वेरी इजिली ही कैन अंडरस्टैंड माइंड इज आर एनिमी। एनी गुड थिंग यू वॉन्ट टू डेवलप, माइंड पोजेस सो मेनी ऑब्स्टिकल्स। लाइक एनी पर्सन इज लिटिल इंट्रोस्पेक्टिव कैन सी माइंड इज एनिमी। सो माइंड नीड्स ट्रेनिंग। सो यू सी वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर वी प्रैक्टिस, वी बिकम गुड एट इट। ये प्रिंसिपल है, जो भी चीज प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम क्या है। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे क्रिकेट खेल रहा है रोज, 10 घंटे क्रिकेट का प्रैक्टिस, विराट कोहली बन जाएगा क्या? हाँ, बन जाएगा। He may or may not, you do not know, is it not? One who is playing cricket 10 hours a day, will he become Virat Kohli? May or may not. But will he become better at playing cricket? Yes, definitely he'll become better. So principle kya hai? Whatever you practice, you become better at it. Jo bhi aap practice karte ho, usme better ho jate hai. Aisa. So from so many lifetimes, what we are practicing? We are practicing listening to mind. Man ke according chalna hai. Aise jeete hai na log jeevan. Man kar raha hai. Man nahi kar raha aaj college jaane ka. Man nahi kar raha aaj job jaane ka. Man nahi kar raha ye karne ka. Man nahi kar raha. To man ke anusar chalte hain, wo habit ho gaya. So what we practice, we become better at it. We have practiced being distracted. बहुत से समय से हमारी प्रैक्टिस है कि हम फोकस से काम नहीं करते जा रहे। अच्छा काम जो होता है फोकस से, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे करते लोग इंडिया, फोकस से करते। घंटी चल रही है, कुकर की सीटी भी बज रही है, पोस्टमैन को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऐसे करते डिस्ट्रैक्टेड स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी में हम लोग बेटर होते जाते हैं। Training means to change. Now we have to train the mind to hear no. अब हमको mind को उस चीज का प्रशिक्षण देना है, नहीं अब ये चीज नहीं करना है। तो जब ये करते जाएंगे That is why association is needed. क्यों? क्योंकि खुद से मन को no बोलना ये बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज आप देखेंगे, अगर आपको अभी यहीं पे अकेला छोड़ दिया जाए वॉइस, तो उसको नो बोलना आसान होगा माइंड को, वो दिक्कत होगा। हाँ, अभी ये इतने डिवोटीज हैं तो सुबह उठना, मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, सब एक नेचुरल हो जाता है। लेकिन अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है। तो ये जो नो बोलने की प्रैक्टिस है, इसके लिए भी एसोसिएशन का एक नीड होता है। सो व्हेन वी आर इन एसोसिएशन, व्हेन वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर स्ट्रांग इन सेइंग नो,
जिनमें नो बोलने का आदत है, तो जब उनके साथ रहने लगते हैं, वी से आर फर्स्ट नो टू द माइंड, इतने सारे जन्मों के बाद फर्स्ट नो बोलते हैं माइंड, नहीं ये नहीं करना, सेकंड नो, थर्ड नो, फिर धीरे धीरे हमारा वो प्रैक्टिस बढ़ता है। इसीलिए एसोसिएशन में रह के ये थोड़ा इजी हो जाए, सेल्फ कंट्रोल, क्या एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल एंड रिजेक्ट व्हाट इज, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप। अगर आप हॉस्टल में रहता है कोई व्यक्ति है, कहीं और रहता है, सेल्फ कंट्रोल उसके लिए कितना डिफिकल्ट है, इवन फॉर अ गुड पर्सन, इज इट नॉट, इज अ गुड पर्सन, उसका अपब्रिंगिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल्चर इतना स्ट्रांग है, इतने ज्यादा टेम्पटेशन आ रहे हैं, उसको बार बार नो बोलना है, कितनी बार नो बोल सकता है। हाँ, तो स्ट्रांग व्यक्ति भी वीक हो जाता है अगर संग सही नहीं है, तो एक बार नो बोलेगा, दूसरे बार नो बोलेगा, तीसरे बार नो बोलेगा, चौथे बार नो बोलेगा, लेकिन जो नो बोलने का एम्पलीट्यूड है कम होते जाएगा, पहली बार तो तुरंत बोलेगा नो, फिर नो, नो, अब वो अच्छे तेजी से नहीं बोल पाएगा, फिर वो सोचेगा नो और यस, देन ही से यस, देन स्ट्रॉन्गर यस, एंड देन यस बिकम्स हिज लाइफ। वेरी डिफिकल्ट आउट ऑफ एसोसिएशन, वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वाई सम हाउ और अदर वी शुड ऑलवेज सी दैट वी आर इन द संगा विच एम्पावर्स अस टू प्रैक्टिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ, दैट सो सेल्फ कंट्रोल, अकस्टम टू सेइंग नो विच इज नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड यू शुड ट्राई टू से यस व्हाट इज, ये दोनों चीज मुश्किल हो जाता है अगर सिंगल में, तो गलत चीज के लिए यस बोल देता है और स्पिरिचुअल चीज के लिए यस बोलना उसको मुश्किल हो जाता है, वो सुबह उठना चाहता है लेकिन सारी सेना ढेर है आजू बाजू सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट, उसमें तो ऑड वन आउट हो गया। हॉस्टल वगैरह में अगर वो 6 बजे भी उठेगा तो उसे लोग ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट अप, हाँ तो सोचे यार मैं इतने पहले कैसे उठ गया, आज सो जाएगा। सो दैट इज वाई सेइंग यस टू राइट थिंग, सेइंग नो टू रॉन्ग थिंग, बोथ बिकम्स पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल इन एसोसिएशन। सेल्फ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, जब अ पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, अब उसके बाद इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, प्रभुपाद राइट्स, सेंसेस शुड ओनली बी ग्रेटिफाइड टू कीप द बॉडी फिट सो दैट वन कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल सेंस इज द टंग, इफ वन कैन कंट्रोल द टंग देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द अदर सेंसेस, द फंक्शन ऑफ द टंग इज टू टेस्ट एंड टू वाइब्रेट, देयरफॉर बाय सिस्टमैटिक रेगुलेशन द टंग शुड ऑलवेज बी एंगेज्ड इन टेस्टिंग द रेमिनेंट्स ऑफ द फुटस्टेप्स ऑफर्ड टू कृष्णा एंड चैंटिंग हरे कृष्णा, एज फार एज आईज आर कंसर्न दे शुड नॉट बी अलाउड टू सी एनीथिंग बट द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा दैट विल कंट्रोल द आईज, सिमिलरली द ईयर शुड बी एंगेज इन हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड द नोज इन स्मेलिंग द फ्लावर्स ऑफर्ड टू कृष्णा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड इट इज अंडरस्टूड हियर दैट भगवद गीता इज सिंपल एक्सपाउंड सिंपली एक्सपाउंडिंग द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, devotional service is the main and sole objective, like that. Unintelligent commentators on the Bhagavad Gita try to divert the mind of the reader to other subject, but there is no other subject in Bhagavad Gita than devotional service. So Indriya Artheshu Vairagyam, Prabhupada is explaining Indriya Artheshu Vairagyam, jo indriya hai unke arth mein vairagya hona chahiye, matlab प्रॉपर लिखते हैं सेंसेस शुड बी ग्रेटिफाइड सो मच सो टू कीप द बॉडी फिट, इंद्रियों को कितना इंद्रियों के विषय में लगाना चाहिए, शरीर रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, हर समय हमको जो गोल है उसका रिमेम्बरेंस बहुत, कोई भी चीज होती है उद्देश्य को जितना याद करता है व्यक्ति उतना उसका लाइफ सिंक होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो सुबह उठता है, सुबह उठ के अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है,
ऑफिस से आता है, ट्रेवल करता है, कुछ मार्केट में जाता है, कुछ परचेजिंग करता है, कुछ लोगों से मिलता है, उनके साथ आदान प्रदान करता है, घर में आता है, लेकिन 24 घंटे उसके मन में क्या चल रहा है? बिजनेस। 24 घंटे उसके मन में चलते रहता है बिजनेस, ये कैसे करना है, 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 24 घंटे चलते रहते हैं। इसी तरह डिवोटी के लाइफ में हमको बहुत सारा चीज करना है। तो बॉडी को रेस्ट चाहिए तो सोना पड़ेगा, बॉडी को खाने के लिए कुछ चाहिए तो आंखें हैं तो कुछ देखना पड़ेगा हमेशा। लेकिन मन में ये चलना चाहिए कि कैसे भगवान, हाउ वी कैन गो क्लोजर टू कृष्ण, हाउ वी कैन गो क्लोजर टू कृष्ण, ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज अवर मेन लाइफ, सो व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो क्लोजर टू कृष्ण, हाउ वी कैन प्लीज कृष्ण, हाँ, सो व्हेन वी आर थिंकिंग हाउ वी कैन प्लीज कृष्ण, सो विद आईज वी विल नॉट सी समथिंग नॉनसेंस, विद ईयर्स वी विल नॉट हियर समथिंग नॉनसेंस, व्हाई? बिकॉज़ माइंड विल से इट विल नॉट प्लीज कृष्ण। व्हेन वी आर ईटिंग वी विल नॉट ईट समथिंग व्हिच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्ण, दैट ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि सेंसेस को उतना ही ग्रेटिफाई करना चाहिए जितना नीड, एटलीस्ट थ्योरेटिकली इनको पता होना चाहिए कि सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट लीड टू हैप्पीनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट लीड टू हैप्पीनेस, इट विल लीड टू मिजरी। तो वो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है तो क्या होता है, क्यों व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है? ऐसा नहीं है कि लिविंग एट हाँ एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन एंजॉयमेंट तो उसमें है नहीं ना, हैप्पीनेस के लिए, लेकिन हैप्पीनेस तो उसमें है नहीं, उसको लगता है। एक्चुअली क्या होता है, वो इतने जन्मों से यही कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति की हैबिट लग जाती है, कोई व्यक्ति है वो हर दिन खाने के बाद स्वीट खाता है, गुजरात में लोग रहते हैं, हर दिन खाने में स्वीट रहता है तो उसको हैबिट लग गई, तो जैसे ही भोजन खाएगा उसके लिए स्वीट खाए, हैबिट है ना उसके लिए स्वीट खाए। ऐसे किसी का हैबिट रहता है हर दिन खाने के बाद सोता है, जैसे ही लंच करता है सो जाता है, हैबिट रहता है ना किसी लोगों का घर में, तो वो क्या बाय डिफॉल्ट खाते हैं तो माइंड बोलता है अभी रेस्ट। इसी तरह इतने जन्मों से लिविंग एंटिटी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है तो क्या होता है, जैसे ही उसको टाइम मिलता है, गैप मिलता है थोड़ा भी, तो ऐसा नहीं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन एसेंशियली करना चाहता है, पर जैसे ही गैप मिलता है लिविंग एंटिटी टर्न्स टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है तो क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन फिल्स द गैप, सेंस ग्रेटिफिकेशन से वो गैप फिल हो जाता है, बट इट एम्प्टीज द हार्ट, पर हार्ट में उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई व्यक्ति ओवर स्लीप करता है उसके बाद अच्छा लगता है उसको, ओवर ईटिंग करता है उसको अच्छा लगता है, इट फिल्स द गैप बट इट एम्प्टीज द हार्ट, ये दो चीजें होती है। तीसरा क्या होता है, इट फिल्स द माइंड विद द संस्कारास ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, माइंड में और नए संस्कार इंद्रिय तृप्ति के फिक्स हो जाते हैं, ऐसे फिर एक एक वो संस्कार निकालने के लिए बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में बहुत मेहनत करती। जैसे कोई व्यक्ति लिख रहा है इंक पेन से, उसको ध्यान नहीं है, हाँ इंक इधर उधर लग जाती है, बाद में वो कपड़े धोने में इंक का दाग निकालना आसान होता है, बाद में बहुत मेहनत लगती है एक एक जो दाग लगा है उसको हटाने में। इसी तरह जो संस्कार पड़ जाते हैं उसको हटाने में बड़ा दिक्कत होता है। प्रभुपाद जी इसमें तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि टंग कि आईज से भगवान का दर्शन करना चाहिए, ईयर से भगवान की कथा के बारे में सुनना चाहिए, टंग से भगवान का प्रसाद टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, टू अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन वी शुड एंगेज सेंसेस इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ये संसार में अवॉइड करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को। आपको बोला कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ गांधी जी के 3 मंदिर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो एक्चुअल में काम नहीं करता है। प्रिंसिपल वो तब होता है एप्लीकेबल, यू डू एंगेज सेंसेस इन अ राइट थिंग मोर, टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड वेरी प्रॉपरली, हियर अबाउट द लॉर्ड रेगुलरली लाइक दैट, चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा रेगुलरली एंड ऑनर ओनली कृष्ण प्रसाद लाइक दैट,
जब ये रेगुलरली करेंगे तो अपने आप जो बाकी चीजें उनके प्रति टेस्ट छूट जाएगा। दूसरा फिर जो है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो करना थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू विल सी मेनी ऑफ द पीपल, हाँ, दोज हू जस्ट वांट टू गिव अप रॉन्ग थिंग्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, मेनी ऑफ देम फेल इन देयर अटेम्प्ट लाइक दैट। सो दिस इज नेक्स्ट थिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग प्रभुपाद इन मेंशनिंग इन द परपोर्ट इज सारे इंद्रियों में टंग बहुत महत्वपूर्ण है। टंग, तो टंग को अगर कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी इंद्रियां अपने कंट्रोल में आ गई। तो टंग का दो फंक्शन है, वन इज टू वाइब्रेट, अनदर इज टू टेस्ट। सो वी शुड टेस्ट ओनली कृष्ण प्रसाद, वी शुड ट्राई, वी शुड सी दैट वी टेस्ट ओनली कृष्ण प्रसाद। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। We taste only Krishna Prasadam, which Krishna has personally tasted it. So when we offer the food to the Lord, and then we honor it, it is a great blessing. It purifies the heart, mind, senses, everything. Right? And we should eat on regulated times. Whatever the regulated time, that time we should eat. We should not have a habit of eating all the time. Like generally people have all the time some snacks there, it's not a good habit. And we should also chant Hare Krishna. We should give up the habit of speaking Prajalpa. Prajalpa means nonsense talk. So if you talk too much about the worldly things, not very cautious about the content of our talk, then that also affects our Krishna consciousness. So the tongue ka ye do function control ho gaya, if we can speak precisely and properly for the benefit of others, and we can chant Hare Krishna, and if we taste only prasadam, that is a very good way of controlling the senses. Indriyarteshu vairagyam. The next thing. Anahankarevacha. Anahankarevacha means not having the falsity, free from ego. So ego हमेशा रहेगा। ego का मतलब होता है identity। ego less नहीं हो सकता व्यक्ति कोई, identity less। अनहंकार, अनहंकार means without false ego। false ego means considering ourselves, accepting the body as oneself। लेकिन जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि I am not this body, I am the spirit soul, that is called as the real ego. So real ego is I am a spirit soul, the servant of Krishna. So the more we engage in the service of Krishna, and all the activities are actually service. Spiritual world is a world of service, where everyone just want to serve. Nobody wants to enjoy. Even the thought of enjoyment does not come. That is why they are most satisfied. And material world, everyone wants to enjoy. Nobody wants to serve. That is why there's so much trying to enjoy. And Prahlad Maharaj is telling the main cause of their unhappiness is because they want to be happy materially. And in spiritual world, the main cause of their happiness is because they want to serve. Huh? The soul ka, because in spiritual world, nobody has false ego. The soul ka constitutional function hai, ego keval seva mein lagta hai. So when we get up in the morning program, we understand it's an important service. Lord is coming, so I have to get up to welcome the Lord. When you're chanting the holy name, we understand it's an important service. Lord is pleased when we chant the holy name. When we do the aartis, we understand we'll please the Lord. When we are hearing about the Lord, we understand it will give pleasure to the Lord. So as a service, we do everything. That is why we honor Prasadam. Why? Because it's the remnant of the Supreme Lord. That is why with respect, we accept that. We take rest so that next day we can serve better. We do our studies properly so that the Lord will be pleased that we are doing our best. So that is how when we do the things in the mood of service, whatever we are doing, our occupational duty, whatever we are doing, if we do it as service, that is the best way. अहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम एंड वन शुड परसीव द इविल ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ एक्सेप्टिंग बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ
कोई भी व्यक्ति है अनुदर्शन मीन्स वन शुड डेली मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स. तो वन शुड फॉर अ डिवोटी इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेडिटेट ऑन एक्सट्रीम सिचुएशंस इफ यू वॉन्ट टू रिमेन सिंसियर. सो वी शुड थिंक दैट एक्सट्रीम सिचुएशंस कैन कम एनी टाइम. महाराज इज गिविंग लेक्चर इन कोरोना. कोरोना वॉज देन कोविड. महाराज से डिवोटी मीन्स ही ऑलवेज मेडिटेट्स ऑन द एक्सट्रीम सिचुएशन. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द सिचुएशन कैन कम एंड ही कैन बी टोल्ड गिव अप. तो व्यक्ति जो भी संसार में व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है. और वो मृत्यु कब निश्चित की जाती है? जिस दिन जन्म होता है तो भी निश्चित हो जाती है. जैसे ही व्यक्ति को देह देते हैं मृत्यु निश्चित हो जाती है. इसीलिए वसुदेव कंस को बोलते हैं प्रवचन करते हैं जब कंस कि देखिए कभी भी मृत्यु हो सकती है. ये वसुदेव बोलते हैं कि मृत्यु तो होना ही है. जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा. आज होगा या 100 वर्ष के बाद होगा अंतर नहीं है. तो अभी हो सकता है या 100 वर्ष के बाद में हो सकता है और इसके बीच में कभी भी हो सकता है. इन दोनों के बीच में कभी भी हो सकता है मृत्यु. इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है जन्म मृत्यु जरा इनके दोषों को चिंतन करता है. इनके दोषों से इसका चार्जर ले उसको दैट प्रीचर बोल. हाँ दुख दोषा अनुदर्शन. वो इसका चिंतन करता है कि कभी भी मृत्यु मेरा हो सकता है. जब व्यक्ति उस पर मेडिटेट करेगा तो क्या ही कैन लिव कॉन्शियसली. ही विल नॉट डू अधर्म. व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करेगा कि कभी भी मृत्यु हो सकता है तो मुझे अच्छे से. तो अगर व्यक्ति को पता लग जाए. हाँ अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि आज मेरा आखिरी दिन है मेरा आखिरी जपा सेशन मेरा आखिरी मॉर्निंग प्रोग्राम होने वाला आखिरी बार प्रसाद ग्रहण करने वाला आखिरी बार भक्तों के संग में रहने वाला या आखिरी क्लास में सुनने वाला तो उसका कॉन्शियसनेस का सवाल है. भक्तिदीप महाराज इसको बोला करते थे कि टू इंटरैक्ट हेल्दीली विद दिस वन प्रिंसिपल यू शुड थिंक दिस इज द इफ यू इंटरैक्टिंग विद समवन दिस इज द लास्ट इंटरैक्शन आई एम गोइंग टू हैव विद दिस पर्सन लाइक दैट. सो हाउ आई वांट दैट इंटरैक्शन शुड बी. सो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिपीटेडली बार बार. अनुदर्शन मीन्स डेली नित्य रूप से उसको चिंतन करना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कितना कष्ट है. जन्म होता है हाँ जन्म में इतना कष्ट होता है. कितना कष्ट होता है उसको. माँ को इतना कष्ट होता है बच्चे को इतना कष्ट होता है प्रोसेस में इतना कष्ट. और जन्म मृत्यु में कितना जरा उसको इतनी सारी बीमारियां होती रहती है. डॉक्टर के पास इधर उधर जाते ही रहते हैं. हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है. तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि. सो एंड बुढ़ापा. जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है कि अपने आप शरीर बेकार हो जाता है. वृद्धावस्था में कोई भी चीज जो है वो काम नहीं करती उसकी वृद्धावस्था में. तो वृद्धावस्था में जो उसके इंटेस्टाइन होते हैं ना जिससे बॉडी एक्सक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट काम नहीं करते तो उसका स्टमक क्लियर नहीं होता है वृद्धावस्था आसानी से. क्योंकि जो इंटेस्टाइन होते हैं वीक हो जाते हैं. इसके जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड कैरी करते हैं वो वीक हो जाते हैं. ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता. बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ना. बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉपर नहीं होता है. ये उसका स्टमक क्लियर नहीं होता है. कुछ भी काम नहीं करता है मशीन खराब हो जाती है. तो इतना कष्ट तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि. इसीलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए जब तक शरीर में जो भी सामर्थ्य है कि अच्छे से वो चीजें कर ले भक्ति कर ले अच्छे से. तो जब इनके दोषों को देखेगा जब व्यक्ति उस पर चिंतन करेगा देन ही विल बी एबल टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ वेरी प्रॉपरली. आ सकते रन विश्वंगा पुत्र धारा ग्रह दिशु. और नेक्स्ट आइटम क्या है आसक्ति अन विश्वंगा पुत्र धारा ग्रह दिशु. पुत्र से दारा मीन्स पत्नी. हाँ दारा सिंह नहीं है. ग्रह आदिशु. ग्रह मीन्स घर.
आदि, पुत्र से, पत्नी से, घर से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ग्रह आदि इन सब से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अभी कोई व्यक्ति बोले ऐसा क्यों है, अभी आसक्ति नहीं होगी तो अगर कोई मैरिड लाइफ में, गृहस्थ जीवन में, तो क्या करेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? अगर किसी व्यक्ति से आसक्ति होगी तो हम उसका सेवा नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति से आसक्ति हो गई, अगर अफेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इट्स नेचुरल एंड नेसेसरी, अटैचमेंट इज अनहेल्दी। जब आसक्ति हो जाएगी तो उसका सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर पति है, पत्नी से आसक्ति, पत्नी बोलती है घर में हम लोग नहीं खाएंगे, बाहर ही खाएंगे, तो रोज रेस्टोरेंट में खाते हैं, ये अच्छा है क्या? पति को हर शादी में नया साड़ी चाहिए, सूरत का, कांचीपुरम का साड़ी। और अगर पति आ सकता है तो बोल पाएगा ये अच्छा है क्या? ओवर एक्सपेंस हो रहा है ना ये। तो ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अगर आसक्त हो गया तो सेवा नहीं कर सकते। फादर बच्चे से आसक्त, बच्चे वीडियो गेम खेल रहा है दिन भर, जहाँ आसक्ति होती है वो मना नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र दुर्योधन से आसक्त था, पूरा महाभारत पे युद्ध हो गया। जहाँ आसक्ति है वहां मार्गदर्शन नहीं कर सकते। वहीं ऋषभ देव थे, उनके 100 पुत्र थे, उन्होंने बोला नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति भिड़ो जाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तुम तस्माद शुद्धे ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। उपदेश दिया उन्होंने, मनुष्य जन्म मिलने के बाद अपने जीवन को पशुओं की तरह मत व्यतीत करो। हाँ कष्टान कामान, कष्ट करके इतना काम कर रहे हो, ये शरीर के लिए, उसके लिए नहीं, तपो दिव्य में दिव्य तत्व के लिए उपदेश दिया उन्होंने। क्यों? अटैच नहीं थे। सुनीति ने ध्रुव का मार्गदर्शन किया। कोई माता नहीं तो ऐसे बता सकती अपने बच्चे को, जंगल में मिलते हैं भगवान। सुनीति ने मार्गदर्शन किया, अफेक्शन था, अटैचमेंट नहीं था। अफेक्शन था, अटैचमेंट नहीं। तो अफेक्शन, जहां अटैचमेंट है वहां सेवा भी नहीं कर सकते। जो भी बच्चे बोल रहे हो, माता पिता पूरा कर रहे हैं, मोबाइल मांग रहे हैं, दिन भर मोबाइल के साथ देख ही रखा माता पिता ने, सेवा हो रही है क्या? नहीं, डिससर्विस हो रहा है। अटैचमेंट में सेवा भी नहीं कर पाते, लोगों का वहम है। दैट इज वाई वी हैव टू टीच पीपल प्रॉपरली व्हाट इज व्हाट। इवन मैरिड पीपल भी हैव टू टीच प्रॉपरली व्हाट इज व्हाट। पीपल थिंक इफ वी आर अटैच टू ईच अदर देयर सक्सेस ऑफ लाइफ, दैट्स नॉट सक्सेस। अटैचमेंट इज गुड ओनली टू वन ऑब्जेक्ट, दैट इज कृष्णा। अटैचमेंट अच्छा है केवल भगवान गुरु कृष्ण के लिए, बेस्ट है अटैचमेंट गुरु के लिए, कृष्ण के लिए, वैष्णवास के लिए, ये अटैचमेंट अच्छा है। बाकी कहीं भी अटैचमेंट हो प्रॉब्लम। दूसरा क्या कारण है? तो अटैचमेंट है तो सेवा नहीं कर सकते, दूसरा प्रॉब्लम है अटैचमेंट है तो मार्गदर्शन नहीं कर सकते उसका। बिकॉज वी विल ओनली स्पीक वॉट इज प्लीजिंग टू हिम, वी कैनॉट स्पीक वॉट इज बेनिफिशियल फॉर हिम, लाइक दैट, बिकॉज वी आर अटैच्ड। थर्ड थिंग इज कि व्हेन द अटैचमेंट इज देयर वी कैन नॉट सर्व हिम, वी कैन नॉट गाइड हिम। आसक्ति एंड विश्वंबा पुत्र धारा ग्रहा। और अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट के कारण वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। मतलब क्या है? कोई व्यक्ति पूरी तरह से जब उसको संतुष्ट करना चाहता है तो हमारे घर पे कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना कर्म लेके आया है, हर व्यक्ति कर्म लेके, हम उसको हटा नहीं सकते, उसके कर्म को हम नलिफाई नहीं कर सकते। हमारे कर्मों के अनुसार हम किसी परिवार में जन्म हुआ, कोई माता है, पिता है, भाई है, वो सब, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक कर्म है, तो हम उसको नलिफाई नहीं कर सकते फुली। हम सोचे कि उसको दूर कर दे, नहीं होगा, व्यक्ति का ही कर। तो हम जब ओवर अटैच हो जाते हैं किसी को प्लीज करने के, अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी हम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं कर पाते अच्छे से। इसलिए आप देखो स्पिरिचुअल लाइफ घर में करने कभी बोला नहीं है, शुरू से गुरुकुल में जाओ, चाहे राजा का बच्चा है, किसी का बच्चा है, कितने भी भक्त माता पिता बड़े, गुरुकुल में जाते
घर में नहीं होता है, क्योंकि घर में अटैचमेंट है ना, जहाँ अटैचमेंट होता है वी गेट ओवर अफेक्टेड बाय इमोशंस, और घर में कुछ हो गया अफेक्ट हो जाएंगे ना, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अनहेल्दी. वी शुड हैव अफेक्शन बट नॉट ओवर अटैच. कई डिवोर्स, कई लोग डिवोर्टी जाते हैं रोज घर पे कॉल करते हैं, तो ये अच्छा चीज है, इट्स नॉट अ गुड थिंग. हम लोग फिर कभी एक आध महीने में बात करते थे पहले, तो ठीक है अब जो भी है एटलीस्ट 2 दिन में 3 दिन में, पर उसको रेगुलेट करना चाहिए. दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाता है, कोई भी चीज ओवर होती है ना वो अनहेल्दी हो जाती है, ये इट बिकम्स अनहेल्दी. तो अटैचमेंट से बल में कम ओवर अफेक्टेड बाय इमोशंस, वो उसके हाथ में नहीं है वो कंट्रोल उसका, ओवर अफेक्टेड बाय इमोशंस. फिर क्या होता है व्हेन ही इज अटैच ही कैन नॉट टेक स्टेप्स इन स्पिरिचुअलनेस. पेरेंट्स ने कुछ बोला, पेरेंट्स ने किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, इतने डिवोटीज होते हैं. कई बार आप देखेंगे कई सारे फ्रेंड्स रहते हैं आपके, हॉस्टल में रहेंगे, कई पीपल डिवोटी दे डू नॉट शिफ्ट टू वॉइस बिकॉज दे से पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, राइट. समटाइम द पेरेंट्स आर वेरी रिजिड ऑल्सो, ऐसा हो सकता है कई बार पेरेंट्स बहुत रिजिड हैं किसी के, पर 99% आई कैन टेल इट इज अ डिसीजन ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर मोर अटैच्ड, इज अ डिसीजन ऑफ मोर अटैच्ड. इफ द स्टूडेंट इज कन्विंस्ड देन ही कैन कन्विंस द होल वर्ल्ड. अगर व्यक्ति कन्विंस है मुझे डिवोटीज के साथ रहना है तो किसी को भी कन्विंस कर लेगा. ये डिटेल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैंने देखा है स्टूडेंट्स के सिचुएशंस, इतने इतने एक्सट्रीम पेरेंट्स और इतना उनका सिचुएशन लाइफ कॉम्प्लेक्स पेरेंट्स, बट दे वर डिटरमाइंड टू स्टे द स्टेट. बट व्हेन वी आर ओवर अटैच्ड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. सम टाइम कैंप्स आल्सो यू अरेंज सम कैंप्स एंड यू कॉल द बॉयज एंड द बॉयज से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स परमिशन नहीं दे. मूवी देखने के लिए परमिशन मांगता है क्या? मूवी देखना है, पार्टी में जाना है, बाहर जाना है, परमिशन मांगता है. व्हाई? बिकॉज़ ही इज अटैच्ड टू डूइंग दोस थिंग्स. तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल है. आसक्तिर अनभिष्वंगा पुत्र दारा ग्रहादिषु. पुत्र से, पत्नी से, घर से, घर से संबंधित जो मिली गए, ओवर अटैच. आसक्ति क्या है? ओवर अटैचमेंट है, अनहेल्दी अटैचमेंट को आसक्ति बोलते. बहुत आसक्त नहीं रहना चाहिए. आसक्त व्यक्ति रहेगा डिसीजन नहीं ले पाएगा, आसक्त पति रहेगा डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, राइट. सो दे मे नो व्हाट इज राइट बट दे कैन नॉट डू व्हाट इज राइट. अटैचमेंट स्टॉप्स अस इन डूइंग व्हाट इज राइट, राइट. सो मोबाइल है, मोबाइल शुड बी रेगुलेटेड, वी नो अंडरस्टैंड. आप लोग मोबाइल में लग गया पेरेंटल कंट्रोल. So you see, many devotees, many students, they are very attached in using the mobile all the time. They know this is right, this is not right. Right is to have a parental control, use it properly. But because of attachment, they cannot do it. Like I know students, and they tell me, they have become chronic phone users. They have become addiction. They understand this is spoiling their life, but they do not have the strength to install parental control fully, which is not in their hand, giving permission. This is called as attachment. Person knows, but he cannot give up. He cannot. So that is why it is very, very vital thing that we should not be overly attached to things, otherwise we'll become weak. To wrong things especially. Like to wrong things. Even to family and other things. When one is overly attached, then it becomes difficult for us. Because we cannot solve everything, whoever we are. Nityam cha samchit tattvam isht anisht upapatteshu. Nityam cha samchit tattvam. And he is telling why you should be equipoised. Nityam cha. And putra dara grahadishu, Prabhupada writes in that it is best one should try to see if the home is fully Krishna conscious. Everyone in the home is chanting Hare Krishna, they become devotees, then it is very good.
But if the family member are not very much supportive of Krishna consciousness, one should be careful how intelligently one should deal with them. Nityam cha sam chitvatam ishta anishta upapattishu. So Prabhupada writes in this, happiness and distress are concomitant factors of material life. One should learn to tolerate, as it is advised in Bhagavad Gita. One can never restrict the coming and going of happiness and distress. So one should be detached from materialistic way of life and be automatically equipoised in both cases. Generally, we get something desirable, we are very happy. And when we get something undesirable, we are distressed. But if we are actually in spiritual position, these things will not agitate us. To reach that stage, we have to practice unbreakable devotional service. तो संसार का ये सिद्धांत है कि सुख और दुख अपने आप आते रहेगा. कभी कभी चीजें होंगी जो हमारे मन के अनुकूल है, उसको सुख की तरह मन डिकोड करता है. कभी कभी चीजें होंगी जो मन के प्रतिकूल है, तो वो क्या है, दुख की तरह डिकोड करता है. तो सुख में दुख में क्या महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को क्या महत्वपूर्ण है, सुख में दुख में अष्ट क्योंकि पॉइज्ड रहना. क्योंकि पॉइज्ड रहने का मतलब क्या है, एकदम एक ही जैसा रहेगा, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में एकदम रोएगा नहीं. दिस इज नॉट लाइक दैट. वी आर इमोशनल बीइंग. सुख होगा तो कुछ फीलिंग होगा, दुख होगा तो भी कुछ फीलिंग होगा. इक्विपोइज रहने का मतलब है यू स्टिक टू योर ड्यूटी, स्टिक टू योर ड्यूटी. इसीलिए ड्यूटी से स्टिक रहना बहुत महत्वपूर्ण. हाँ, स्पिरिचुअल ड्यूटी एंड मटेरियल ड्यूटी. जैसे कभी सुख हुआ घर पे, कुछ अभी अच्छी सिचुएशन है घर में, आपके पिताजी की लॉटरी लग गई, अच्छा लग रहा है, खुश हो गया, तभी सुबह उठना है, टाइम पे उठना है, मंगल आरती करना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, दिन में स्टडीज करना है. ऐसे कभी पता चलो कोई बहुत बीमार हो गया घर पे, कुछ हो गया या घर पे कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ ना रिलेटिव के बीच में झगड़ा चल रहा है, तभी भी टाइम पे उठना है, मंगल आरती करना है, चैंटिंग करना है, उसके बाद अपना स्टडीज करना है. अभी लॉटरी लग गई तो भी शाम को बात कर सकते हैं पेरेंट्स से, शाम को बात कर लिया. घर में कुछ झगड़ा चल रहा है रिलेटिव से, तो शाम को बात कर लिया, क्या चल रहा है. इट इज कॉल्ड अस स्टिकिंग टू ड्यूटी. वी शुड नॉट चेंज आवर ड्यूटी. अभिमन्यु का डेथ हुआ, अर्जुन ऑल्सो क्राइड टीयर्स, बट ही अगेन पिक्ड अप द गांडीवा टू फाइट. वी शुड स्टिक टू आवर ड्यूटी. ऐसे ये इम्पोर्टेंट है. इसको बोलते हैं बीइंग इक्विपोइज्ड डार लेवल. इक्विपोइज्ड मींस यू कंटिन्यू आवर ड्यूटी, यू कंटिन्यू चैंटिंग द राउंड, यू कंटिन्यू रीडिंग हियरिंग डू इट. सो ओके, आई हैड सम आइटम्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Any questions? Any questions? Comments here? Yes. Yeah, I have two doubts. Yes. So, पहले ये है कि जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके parents अगर भी बच्चा करता है तो parents थोड़ा सा समझाते हैं. Yes. तो वो फिर जो चीज का repeat करता है तो थोड़ा और डांट देते हैं. फिर और करता है तो और मार देते हैं. फिर और ज्यादा करता है, extreme हो जाता है तो और ज्यादा करने consent देते हैं. तो ऐसी जो हमारी भक्ति लाइन होती है तो इसमें माया देवी हमारे पीछे क्या इसी तरह से रखती है और ऐसे रखती है तो जैसे हम लोग भक्ति फॉलो कर रहे हैं जो डिफिकल्टीज आ रही है तो हमें क्योंकि हमारा रेगुलर चैंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ती जा रही है तो फिर हम उस चीज को कैसे डील करते. ओके, सो द क्वेश्चन इज, when a child does a mischief, the parents correct. He does more mischief, parent strongly correct. He does even more mischief, the mother may also give a slap. So now we are also trying to practice bhakti. We are facing problems one by one. So will Maya Devi also correct us like that? That is one point. Like that, because we are doing bhakti. See, the job of Maya is as we are practicing bhakti, as we will practice more and more, the job of Maya in case of devotees to filter. Maya wants to make us more genuine. Like that. And to make us more genuine, the tests are there. If we test ke bina koi vyakti next class mein promote ho nahi sakta.
इसलिए हमारे जीवन में टेस्ट आते हैं. नाउ टू फेस दोस टेस्ट वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम डिवोटीज एंड ट्राई टू डू आवर बेस्ट. ये कृष्ण का फॉर्मूला है, कृष्णा नेवर टेस्ट अस बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. कॉलेज में जो टेस्ट होता है, 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का 40 एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, उनको सॉल्व करना मिलता है, ठीक है. या बहुत बड़े बड़े भी टेस्ट होते हैं, IIT JEE और ये सब भी होते हैं, तो एकदम उस 3 या 4 सेट बना सकते हो किस व्यक्ति को. लेकिन भगवान का ऐसा परीक्षा होता है, हर व्यक्ति को इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको जीवन. लाइफ इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन पेपर, राइट, इन विच लाइफ इज अ एग्जामिनेशन. सो इन दैट वी विल नेवर बी टेस्टेड बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, दैट वी शुड नो. And whatever test we are facing, if we are facing difficulty, that is why the association of devotees are there. And the devotees are there to guide and help us. We should seek that help. Very, very important. We should learn to seek help. And again, practice. Again, we may face some difficulty. Again, we should seek help. And again, we should practice. Ye process kabhi chhodna nahi chahiye. Kyunki aap sochenge ki aaj help liya, अब बस जिंदगी भर कोई पूछने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा. इट्स अ रेगुलर प्रोसेस. यू सीक हेल्प, यू डू समथिंग, यू अंडरस्टैंड समथिंग, अगेन सम प्रॉब्लम कम, अगेन यू सीक हेल्प, अगेन यू प्रैक्टिस समथिंग, दैट्स हाउ वी कीप ग्रोइंग. ओके, जैसे हम बढ़ाते हैं, इसमें इंक्रीमेंट करते हैं, पर जैसे कुछ भी मैटेरियलिस्टिक हमारे लाइफ में कुछ भी आ जाता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. मतलब उसे बनाने में काफी समय लगता है, पर उसे डिस्ट्रॉय होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं. और एक ये भी हमें जैसे बताया जाता है कि ये जो संसार है, ये जो कार्बन है साफ करता है, तो ये गुणों से भरा हुआ है. तो पर हमें बताया जा रहा है कि ये फल जो है जहरीला है, पर कहा जाता है कि आपको जॉब करनी है, ये करना है, तो हमें उसी फल को खाने के लिए भी कहा जा रहा है, जॉब करनी है. हाँ, मतलब उसमें रहना है, उसमें वो करना है, उसमें मतलब अपने आप को रेगुलर रखना है, पूरी लाइफ बाकी समझ भी. तो एक तरफ समझा जा रहा है कि वो एक जहरीला फल है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसको खाना है. So this is a system. Okay, so the question is that we are living in the material world. Material world is a dangerous world, and we are trying to practice spiritual life. When we see, but when we go into material things, whatever we are practicing with so hard, whatever we did spiritually, it get destroyed. If we get into material, इतना मेहनत करके हमने spiritual थोड़ा credits अर्जित किए, material life being destroyed. And we are told also that material life is like a poisonous fruit. At the same time, we are told you should go to the, you should go to college, you should do job. So we are also told to taste that fruit. So see, please understand the principle. We are living in a material world like that. And now in the material world, we cannot remain unattached fully. That is not our current level of consciousness. That one. See, the Shastra say renunciation is must, but either the time is mature or the person's consciousness is mature. एक चीज होना चाहिए. तो त्याग तो सबको करना है. शास्त्र में देखेंगे ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ, तीसरी स्टेज में त्याग है ना, समझ, त्याग करना है. या तो उसके हर व्यक्ति को त्याग करना है, वानप्रस्थ बनना है, उसको जो गृहस्थ है उसको भी वानप्रस्थ बनना है, त्याग करना है. तो त्याग तो अल्टीमेटली व्यक्ति को करना है, लेकिन या तो टाइम मैच्योर हो गया उसका, 50 साल का हो गया, 50 के बाद शास्त्र बोलता है उसको त्याग कर देना चाहिए मटेरियल ड्यूटीज. या तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत मैच्योर है, बहुत प्योर सो, सुखदेव गोस्वामी थे एकदम प्योर लिबरेटेड सो, ऐसा तो either of these things has to be there. So that is why how we grow, हमारा एक नेचर है, we have to be active. तो जो कर्म का सिद्धांत है तीसरे अध्याय में भगवत गीता में बताया गया है, अगर व्यक्ति प्रीमेच्योरली कर्म छोड़ देता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है, गलत चीज में लग जाता है,
तो ये हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, स्टडी करना, प्रिपरेशन करना, ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, इसको ऑनेस्टली करना इम्पोर्टेंट है। जब तक इसको करते एंगेज रहे, ये क्योंकि किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए 64 माला करो डेली, कर लेंगे हम लोग, मुश्किल हो जाएगा, माइंड अलाउ नहीं करेगा। एक दिन कर भी लिया, बाकी आगे माइंड उसको अलाउ नहीं करेगा। इसलिए सिस्टम है, मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद कॉलेज जाइए, पढ़ाई कीजिए, आगे अपने स्टडीज कीजिए, स्टडीज के बाद शाम को थोड़ा कीर्तन कीजिए, प्रसाद खाइए। ऐसा करते करते धीरे धीरे भी ग्रो। अभी सेकंड पॉइंट क्या है कि लेकिन हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से डील कर रहे हैं तो अफेक्ट हो जाएंगे। वी हैव टू लर्न टू रिमेन इम्यून, दैट इज वाई देर आर सिस्टम। जैसे परीक्षित महाराज है, कलयुग ने बोला मुझे जगह दीजिए, तो परीक्षित महाराज ने मना नहीं किया, चार जगह दी, लेकिन ऐसा रूल किया वो चार जगह थी ही नहीं उनके किंगडम में, वो चार जगह उन्हें दी, कहीं पे भी इलिसिट सेक्स हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, मीट ईटिंग हो रहा है, तो वहां पे आप रह सकते हैं, लेकिन वो चार जगह उनके किंगडम में, राज्य में थी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? दैट इज वाई देयर आर प्रोटेक्टिव सिस्टम्स। वी गो टू कॉलेज, बट वी गो टू कॉलेज टू डू आर स्टडीज, नॉट टू कंटामिनेट आवरसेल्फ, नॉट टू सोशलाइज इन अनहेल्दी वे। वी गो टू कॉलेज, वी डू स्टडीज, इफ सम लेक्चर इज ऑफ वी कैन गो टू लाइब्रेरी, वी कैन डू आवर स्टडीज लाइक दैट। Like the mobile is there. If somebody stole, you give up the mobile. That is very difficult for him to function nowadays. So that is why you have mobile, but also have parental control. Like that. So you are taking the benefit of mobile and at the same time you are saved also. So that kind of system is important. Third reason is also why we are living in this world and we have to preach also. We have to preach and help others also to come to Krishna consciousness. That is very important. So this is another reason we are there. That way. So अभी at the same time, क्योंकि हम material world से deal कर रहे हैं, college जा रहा है कोई व्यक्ति, job कर रहा है, we will face some challenges. Naturally, we will face some challenges. So that is why when we face some challenges, we should take shelter of Krishna. We should take shelter of devotees. That way. So the challenges also become opportunity when we take shelter of devotees. Like that. तो कोई व्यक्ति जब जॉब करता है, कॉलेज में जाता है, उसको डिवोटी एसोसिएशन का वैल्यू पता चलता है, करेक्ट? कॉलेज में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पता लगता है डिवोटीज का एसोसिएशन कितना स्पेशल है। यहाँ सब गाली देके ही बात करते हैं, यहाँ पे डिवोटीज कैसे है, कहाँ ये एक दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। तो वो भी वैल्यू करना हमको बहुत इम्पोर्टेंट। केवल यहीं पर रहेंगे तो डिवोटीज में ही दोष निकालने लगेंगे ज्यादा, ऐसा होता। ऐसे व्यक्ति जॉब जाता है, बॉस को देखता है, इतना घंटे उसको काम करना पड़ता है, इज वर्क हॉलिक, इज वर्किंग 12 hours a day, 14 hours a day, स्टिल द बॉस इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उससे डिवोटीज के लिए ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, एंड ही अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, दैट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू लर्न। सो वी शुड गो एट द सेम टाइम डू आर ड्यूटी, व्हेन वी फेस प्रॉब्लम वी शुड सीक गाइडेंस एंड गो अहेड विद द ड्यूटी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके यस यस शशि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कभी कभी जैसे उस इस व्यक्ति के पास अच्छा एजुकेशन है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, और इस जीवन में मतलब नोविंगली कोई पाप अपराध नहीं किया है, और फिर भी उसको नेचर पनिश कर रहा है, और तो मतलब हर तरीके से इस तरीके चीजों को समझने के लिए कभी कभी वो स्पिरिचुअल लाइफ ही फॉलो कर रहा है। और क्या होता है कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि असुर में डिवोटी दिखाई देने लगता है, डिवोटी में असुर दिखाई देने लगता है, इस चीजों को भी नहीं समझ पाता है, और बाद में कुछ दिन बाद रियलाइज होता है, क्योंकि खुद व्यक्ति अपने एक बात बोला कि मटर वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस, मटर लाइफ इज पॉइजनस रूट, नहीं समझ में आता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, तो कैसे इन चीजों को थोड़ा और फिल्टर करके और लेंस लेकर के समझा। तो शास्त्रों में एक सिद्धांत है, कई बार हम देखते हैं मटेरियल लाइफ में समझ नहीं आता है, पहला तो लोग भी समझ नहीं आते, कई बार डिवोटीज भी समझ में नहीं आते,
डिवोटीज कौन कैसे डीलिंग कर रहा है। और कई बार देखते हैं कुछ अच्छे लोग हैं उनके लाइफ में इतना ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो जाता है, वो भी समझ नहीं आता है। तो ये एक बहुत कॉमन थीम है, आप देखेंगे फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम 8th चैप्टर। हाँ, कुंती महारानी बोल रही है ना, गोप्या ददे तो ये कति घसी दाम तावत। तो वो बोल रही है कि भगवान आप कैसा लीला करते हैं जब मनुष्य शरीर करते हैं, तबे मनस्य विडम्बनम, बहुत विडम्बना में डाल देता है भगवान। कुछ समझना ये पॉसिबल चीज नहीं है, भगवान ये संसार में कौन सा चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल चीज है। भीष्म पितामह कौन समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं यस्य करे चिद्राजन् पुमान वेद विदित्सितम् यद् विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं नहीं यस्य करे चिद्राजन्, राजन तुम सोच रहे हो कि इनका प्लान समझ लोगे, कोई नहीं समझ पाया। पुमान वेद विदित्सितम् यद् विज्ञासया युक्ता, और जिस व्यक्ति जो विद्वान लोगों ने भी जितना प्रयास किया उतना मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी भी समझ पाए क्या भगवान का क्या योजना है, नहीं समझ पाए, नहीं तो ब्रह्मा भी मोहन लीला नहीं होते। इंद्र जैसे देवता नहीं समझ पाए, देवताओं की शक्ति बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा रहती है, वो नहीं समझ पाए। इवन स्वयं बलराम जी आते हैं वो भी पूरी तरह नहीं समझ पाते कृष्ण का प्लान क्या है, वो भगवान की बुद्धि एक्सपेंशन। मतलब पॉइंट क्या है, ये रिपीटेडली ये बोला गया है। अभी आप सोचिए जो भगवान है अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवात्माएं हैं, उनके हर जीवात्मा की अनगिनत इच्छाएं, इतनी सारी इच्छाओं के साथ, इतनी सारी डिजायर्स के साथ एक जो व्यक्ति है वो डील कर रहा है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीवात्माओं की अनंत इच्छाओं के साथ वो भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये यथामहं प्रभवति, सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होगा उनका जॉब। ये संसार में 3-4 रिश्तेदार होते हैं हमारे, एक को सेटिस्फाई करते दूसरा दुखी हो जाता है। हाँ, और कभी हम किसी को समझा पाते हैं क्या, नहीं समझा पाते अच्छी तरीके से। तो इसीलिए पहला सिद्धांत समझना कि संसार में सब चीजों को समझना, कौन सी परिस्थिति क्यों हो रही है, ये काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा चीज समझना जो भी, लेकिन भगवान किसी भी जीव के जीवन में इस परिस्थिति उत्पन्न करते हैं उस जीव के लिए वो बेस्ट सिचुएशन है। दूसरा चीज समझना कि भगवान का स्वभाव, एक पेरेंट रहता है जैसे, तो जो माता पिता रहते हैं, अ पेरेंट इज मोर द पेरेंट्स आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, माता पिता बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसी तरह जो भगवान है हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है ये। तो भगवान हमेशा हमारे जो भी करेंगे हित के लिए ही करेंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट शास्त्र बताता है, किस भी हो। हाँ, अभी देखिए भगवान का भी जन्म हुआ, अभी देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, आसान चीज है क्या किसी माँ के लिए? भगवान की माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वो तो भगवान की माँ है, भगवान की बहन सुभद्रा है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। हाँ, पांडव भगवान के इतने घनिष्ठ हैं, उनको 12 वर्ष का वनवास मिल गया, द्रौपदी भगवान के इतने निकट है, उसका चीरहरण के लिए प्रयास किया गया। तो क्यों का आंसर नहीं है, लेकिन शास्त्र बोलता है कि जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, ये सिद्धांत। अभी तीसरा पॉइंट है, कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में जब एग्जिस्ट हो जाती है उस सिचुएशन में हमको ये सोचना है इम्पोर्टेंट कि ये सिचुएशन में भी हम भगवान के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। द सिचुएशंस आर बियॉन्ड आर कंट्रोल बट वी हैव कंट्रोल ओवर आर कॉन्शियसनेस, और ओवर द सिचुएशंस वी हैव लिमिटेड कंट्रोल बट ऑन कॉन्शियसनेस वी हैव अनलिमिटेड कंट्रोल। तो इसलिए हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ में वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, यू वर्क ऑन योर कॉन्शियसनेस, दैट इज द प्रिंसिपल। ओके, थैंक यस यू लास्ट। सो मच। मतलब हमें अपने ऊपर काम करना है, सिचुएशन तो अच्छा हो बुरा हो मतलब अपने हाथ में नहीं।
Yeah. We have a limited control over situation, but unlimited control over consciousness. And that is what spiritual life, Adhyatmik Jeevan Vahi. थैंक यू प्रभुजी, थैंक यू सो मच। Yes. अफेक्शन एंड अटैचमेंट विद इंडिस्क्रिमिनेट एंड आर बॉडी करेक्टरिस्टिक अच्छा क्वेश्चन है. प्रूव करेक्टरिस्टिक के बारे में। अफेक्शन और अटैचमेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल है. तो अफेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या? सही बोला आपने, बहुत मुश्किल है. बोलना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है. दूसरा क्या होता है, जिससे अफेक्शन होता है थोड़े टाइम बाद उससे अटैचमेंट भी हो जाता है. माता पिता को बच्चे से अफेक्शन होता है थोड़े टाइम बाद अटैचमेंट हो जाएगा. हमको भी किसी व्यक्ति से अफेक्शन होगा तो थोड़े टाइम बाद अटैचमेंट हो जाएगा. सो इसीलिए एक प्रिंसिपल ये है, कृष्णा मे नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट, बट कृष्णा शुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट. एक प्रिंसिपल है क्या, कृष्णा मे नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट बट कृष्णा शुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट. हो सकता है कि भगवान के अलावा भी किसी चीज में हमारी आसक्ति हो, लेकिन भगवान में आसक्ति सबसे ज्यादा होनी चाहिए. ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, स्नेह पाशम चिंती, मेरा जो आसक्ति है मेरी मेरे बच्चों के प्रति परिवार के प्रति, हाँ इसको आप तोड़ दीजिए. इसका मतलब उनका आसक्ति है लेकिन उनको कृष्ण में ज्यादा आसक्ति है इसलिए वो प्रार्थना कर पा रहे हैं. तो हमको भी संसार की किसी चीज में आसक्ति हो सकती है, लेकिन अभी हमको पॉजिटिव चीज पे वर्क करना है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी. ये इम्पोर्टेंट है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी है और वो इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि बाकी चीजों से ज्यादा होनी चाहिए. दूसरा है अटैचमेंट को स्तर क्या होता है. अटैचमेंट जब बहुत अनहेल्दी स्तर पे चला जाता है क्या, अफेक्शन में क्या है, वी विल ऑलवेज डू फॉर दैट पर्सन्स बेनिफिट इजी और डिफिकल्ट फॉर अस. हम वो व्यक्ति के बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं. लेकिन अटैचमेंट क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है. अटैचमेंट में मैं सेंटर पे रहता हूँ, तो अगर मैं सेंटर पे हूँ तो हर परिस्थिति को मैं अगर ये तो अपने सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ. इसीलिए अटैचमेंट में क्या होता है कि हार्ड डिसीजंस लेना मुश्किल होता है विच आर बेनिफिशियल. जैसे जब बच्चा गुरुकुल में जाता है तो गुरु कोई हिटलर का प्रतिनिधि नहीं है. हाँ, ऐसे नहीं है वो हिटलर है ऐसे ट्रेनिंग देगा, नहीं. गुरु का भी अफेक्शन होता है, गुरु माता का भी अफेक्शन होता है, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं होता है. वो उसको राइट कर सकते हैं, ये गलत किया है, ये सही किया है. लेकिन पेरेंट्स का क्या होता है, अनहेल्दी अटैचमेंट होता है, बॉडी के बेसिस पे होता है, तो वो नहीं कर पाते. तो अटैचमेंट व्यक्ति हार्ड डिसीजन नहीं ले सकता. अटैचमेंट में व्यक्ति क्या हो जाता है, ही बिकम ब्लाइंड. अटैचमेंट ब्लाइंड्स द पर्सन, इनएबिलिटी टू से नो व्हाट एवर इज द कॉस्ट. ये अटैचमेंट, बॉय गर्ल के बीच में अटैचमेंट हो जाता है, करेक्ट. तो फिर कितना भी उसको होना पड़ेगा, दे कैन नॉट गिव अप ईच अदर लाइक दैट. कुछ नहीं देखते, कास्ट मैच कर रहा है कि नहीं, चीजें मैच कर रही है कि नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा. अटैचमेंट इज अनहेल्दी, अनहेल्दी जोन में चला जाता है, व्यक्ति पॉजिटिव डिसीजंस नहीं ले पाता है, ब्लाइंड हो जाता है सिचुएशन. अटैचमेंट मेक्स अ पर्सन ब्लाइंड, देख के हुई चीज देख नहीं पाता है. जो होती है जब आसक्त हो जाता है तो देख नहीं पाता है सिचुएशन का, कैन नॉट सी फार, समझ में नहीं आता उसको जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है ऐसे. ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सो वेयर दिस डिवोटीज आर स्टेइंग, रियांश टू, रियांश टू अंकुश, वेयर दे आर स्टेइंग? बारे हाँ, बारे ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण, श्री प्रभु, नगर हरे कृष्ण. हरे कृष्ण।